हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मिरर नेल्स कैसे लगाएं। ये कुछ कलर है मिरर नेल्स के, पकड़ के दिखाती हूँ आपको। ये मजेंटा पिंक है, ये रेड है, गोल्डन है और ये ब्राउन है। मैं आपको मजेंटा पिंक ला के दिखाऊंगी क्योंकि वो ये ज़्यादा अच्छे से शो होगा। इस टाइप से आते हैं, एक बॉक्स में 12 नेल्स होते हैं, आपके दोनों हाथों में लग जाते हैं। बहुत इजी है। इस ग्लू से मैं लगाऊंगी इसे, ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसे निकलता नहीं है इजीली। फर्स्ट हम पहले से चेक कर लेंगे शेप साइज के, हमें कौन सा फिट आ रहा है। तो ये वाला देखेंगे पतला है, ये वाला बिल्कुल फिट नहीं आ रहा मेरी फिंगर में, ये वाला फिट आ रहा है मेरी फिंगर में। तो फिर हम ये वाला लगा लेंगे इस फिंगर में। पहले हम आपको नेल लगा के दिखाएंगे, उसके बाद हम इस पर आर्ट करके भी दिखाएंगे। आपको 2-3 दिन के ही लगाना है तो ग्लू बहुत हल्का लगाना है, ज़्यादा दिन के लगाना है तो ज़्यादा लगाना है। आप चाहे तो इन्हें 1 मंथ के भी लगा सकते हैं। 1 मंथ के लगाना है तो जस्ट ऐसे लगा के, ग्लू लगा के इसको होल्ड करके रखना है 5 to 10 सेकेंड टाइटली। ये देख सकते हैं आप, लग गया। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे। पहले हम साइज चेक करेंगे, साइज छोटा है इस पर नहीं आ रहा है, ये वाला साइज फिट आ रहा है। देखेंगे दोनों साइज से पूरा फिट आ रहा है। ग्लू हमें नीचे साइड ही लगाना है, पूरे नेल पे नहीं लगाना, अपने नेल पे भी लगाना, सिर्फ आर्टिफिशियल नेल पे लगाना है। देखेंगे स्टेप्स, हमने ग्लू लगाया, बहुत ईजी है। ऐसे फिंगर पे रखा, ऐसे 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर दिया, 5 to 10 सेकेंड के लिए। देखेंगे लग गया। अब हम नेक चेक करेंगे कि हमारी फिंगर पे कौन सा आएगा। ये वाला फिट आ रहा है, ऐसे ग्लू लगाएंगे। जितना ग्लू लगा रही हूँ उतना में 15 डेज के लिए काफ़ी है, 15 डेज तक चल जाता है आराम से। आप ये लगा के घर में काम भी कर सकते हैं, इनकी आर्ट ख़राब नहीं होती। इस पर आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा देंगे तो ये और ज़्यादा स्टे करेगा। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाने से इनमें शाइनिंग बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए आप घर में कोई काम करते हैं तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। बाकी मिरर नेल है तो अपनी ऑलरेडी बहुत शाइन है, देख सकते हैं। अपने 4 लगा लिए। अब हम थंब का लगाएंगे, सेम प्रोसीजर, पहले साइज चेक करेंगे। नेल ग्लू लगाएंगे, ला के 5 सेकेंड पहले होल्ड कर देंगे, 5 to 10 सेकेंड। अब आप चाहें तो इन्हें फाइल भी कर सकते हैं। फाइल करके भी दिखा देती हूँ, देखिए नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी, हम फाइल कर रहे हैं। आप चाहें तो इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल एडिटर से कटिंग हो जाएगा, नॉर्मल फाइलर से फाइल हो जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है,
अब हम इस पे कुछ ऐड करेंगे। मान लीजिए जैसे आप पी, तो आप ये नए हैं, आपने 2-4 दिन ऐसे ही लगा लिया, 1 वीक आपने ऐसे ही यूज़ कर लिया, फिर इस पर आप चेंज करेंगे, क्योंकि आप नेल पेंट अप्लाई करेंगे तो इस पर से नेल पेंट नहीं निकलेगा, निकालेंगे तो ये नेल जो है वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसकी क्रैक हो जाएगा नेल। यदि आप इसमें नेल पेंट रिमूवर यूज़ करेंगे, उसे निकालेंगे कोई भी नेल पेंट लगा के, तो नेल जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो हम इसी पर ऐड करेंगे कुछ, जैसे आप ये ओल्ड हो जाते हैं तो आप इस पर ऐसे इस टाइप से ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा के। हमने इस पे स्प्रेड कर दिया, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट हमें ड्राई होने के बाद लगानी होती है, हम गीले पे लगा रहे हैं इसलिए वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब आगे गैप हो जा रहा है उसमें। अब देखिए बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट पे हम स्टोन की आर्ट करेंगे। स्टोन लगाने के लिए हम डॉटिंग टूल यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नेल पेंट निकाल के रखेंगे। डॉटिंग टूल पे हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाएंगे, एक एक करके से स्टोन उठाना है। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जहाँ हमने लगाया है वही उस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट के ऊपर चिपक रहा है। मैंने इससे पहले भी अपने अपने नेल्स पे भी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई किया है ऑलरेडी। ऊपर से इस पर भी हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर देंगे, जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अब थर्ड वन पे हम कुछ और करते हैं। थर्ड पे हम टेप से आर्ट करेंगे। ये नीला टेप है, इसको हमें कहीं पे चिपका के रखना है। डायरेक्टली नेल पे चिपकाएंगे तो बार बार छूटेगी। पहले कट कर लेना, ठीक है। इस टाइप से हमने ये लगा लिया। हम चाहे इस पर ऊपर से कोई भी नेल पॉलिश भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम ऐसे भी इस पर टेप लगा के छोड़ सकते हैं। टेप को कटिंग कर देंगे दोनों साइड से, इससे टेप इतनी जल्दी से ये वाली नहीं निकलती है। ऊपर से आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा देंगे, टाइप से हमने, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से चिपका देंगे, क्योंकि ये नहीं चिपकेगी तो आर्ट ख़राब हो जाएगी। ये अच्छे से चिपक गया। अब हम इस पर सिल्वर ही कलर कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा सिल्वर और पिंक का आर्ट कर रहे हैं।
आपने इस पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर दिया है। टेप लगाने के बाद अब हम इसे डिप कर देंगे, फिंगर को बॉक्स में हम डिप कर देंगे और एक्स्ट्रा को हम छाड़ देंगे। इसे वैसे हल्का सा ड्राई होने के बाद ही ट्रांसपेरेंट अप्लाई करना पड़ता है, मतलब करो तो ज़्यादा अच्छे से आट आती है। अब हम यहाँ पे जल्दी में भी हम इसी के ऊपर कर दे रहे हैं। इसे हल्का सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे टेप निकालेंगे, क्योंकि फिर तुरंत निकालेंगे तो वो स्प्रेड होगा। अब हम नेक्स्ट फिंगर पे कुछ करते हैं। अब थंब पे हम कर लेते हैं। थंब पे हमने ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई किया है, ये मैंने ग्लिटर के ऊपर अप्लाई किया था इसलिए इसमें हल्का सा ग्लिटर आ रहा है। जस्ट ऐसे ही लेंगे, इसको हम हल्का हल्का ड्रॉप कर देंगे। इस पे भी हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से ड्राई होने के बाद लगाएंगे, आप ही लगाएंगे तो फिर ये स्प्रेड करेगा। अब हमारा लास्ट वन बचा है, लास्ट पे हम सिर्फ एक स्टोन लगा देते हैं, बड़ा वाला बीट लगा देते हैं। अब इसको हम निकालेंगे, जो हमने पहले टेप लगाया वो हमें ऊपर से जो टेप है वो पहले निकालना है। इस टाइप से एक करके हम टेप निकालेंगे। आप देखेंगे कितना क्लियर आया। अब आपको बताएंगे फ्रेंच नेल कैसे लगाएं। ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फ्रेंच नेल बने बनाए हैं। इसको हम इस ग्लू से लगाएंगे क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग ग्लू है। मैं बता देती हूँ आपको कैसे लगाना है। पहले आपको साइज चेक करना है कि कौन सा आपको इस फिंगर में फिट आ रहा है। स्टेप्स आप पहले साइज चेक कर लेंगे जो जिस फिंगर का उसमें फिट आएगा। इसमें हल्का सा ग्लू लगाना है स्टेप से नीचे साइड। ऐसे रखना है और 5 सेकेंड होल्ड कर देना। अभी हमको फ्रेंच नेल चिपकाना बता रहे हैं, इस पर हम आर्ट करना ही बताएंगे। हल्का सा ग्लू लगाना है, फाइव टू 10 सेकेंड होल्ड करना है, चिपक जाएगा। आप देखेंगे बिल्कुल फिट आ रहा है, परफेक्ट चिपक रहा है। मैंने अभी कुछ आर्ट की थी पहले नेल आर्ट, उससे उसके ग्लिटर वो लगे हुए हैं हाथ पे,
ग्लू लगाना, देन 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना। इस टाइप से अब थंब बचाएं, थंब पे चेक कर लेंगे कौन सा साइज फिट आ रहा है। यदि थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, फिट नहीं आता, तो आप फाइल कर सकते हैं, फाइलिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने सारे पेस्ट कर लिए। अब इनको हम फाइल कर लेंगे, इस टाइप से फाइल करना है। आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट रख सकते हो, आपको चेंज करनी है शेप, ओवल करनी है तो आप ओवल भी कर सकते हो। देख सकते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग है नेल, मैंने फाइल कर रहे हैं तब भी बिल्कुल स्ट्रे है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली लग गए हैं, एक्स्ट्रा को हम हटा दे रहे हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे हाथ में भी लगा लेना है। अब हम इस पर आर्ट करके बताएंगे आपको। लेस तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट लग गए हैं। अब इस पर आर्ट करने के लिए हम, क्योंकि वाइट कलर का फ्रेंच है तो हम वाइट ही वाला लगा रहे हैं, क्योंकि आप चाहे कोई और कलर की नेल पेंट से भी कर सकते हो। ये मैंने वाइट कलर का नेल पॉलिश निकाला है बॉक्स के ऊपर, और ये मैंने डॉटिंग टूल लिया है। डॉटिंग टूल से हमें डिप करना है, स्टेप से हमें फ्लावर बना देना है। इस टाइप से हमने आर्ट किए। आप सारी फिंगर पे सेम करना चाहते हैं तो सेम कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे हाफ पे फ्लावर बना दिया, स्टेप से कर सकते हैं। फुट पे बनाना, फुट पे बना सकते हैं। इस टाइप से पूरे पे पहले हम इसको डिप कर लेते हैं, क्योंकि तो ड्राई हो जाएगा तो फिर ये डिप नहीं होगा। आप चाहें तो सिल्वर या कोई भी कलर ग्लिटर से डिप भी कर सकते हैं। सो नॉर्मल नेल पॉलिश बनाना है, नॉर्मल नेल पॉलिश से ये हम इसमें डिप कर देंगे। इस टाइप से देख सकते हैं आप, ड्राई हो जाएगा तो वो नहीं चिपकेगा ग्लिटर। एक्स्ट्रा वाटर में जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम वॉश करेंगे तो क्लियर आएगी यार। लास्ट वाले में हम हाफ में फ्लावर बना रहे हैं। टिप कर देंगे ग्लिटर में और एक्स्ट्रा हम छाड़ देंगे। मैं आपको अभी क्लीन करके दिखाऊंगी, ये भी हम अभी गीला है, अभी मैं इसे हाथ लगाऊंगी तो सारा खराब हो जाएगा। हमारा थंब रह गया है, नेल पेंट ड्राई हो गए।
जस्ट डिप करना है। फिर हम इसे ग्लिटर में डिप कर देंगे। ये देख सकते हैं मैं वॉश करके भी एक पिक दिखाऊंगी।